नमस्कार दर्शकों, आपकी हेल्थ से जुड़े हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं चारू हाजिर हूँ इस प्रोग्राम के नए अंक में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं मेडिकल क्षेत्र के विशेषज्ञों से। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चौधरी से। आज के इस अंक में डॉक्टर सुरेश चौधरी से जानेंगे नौनिहालों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर क्यों एक बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान देना अति आवश्यक है। कहते हैं कि अगर किसी मकान की नींव मजबूत हो तो वह मकान सुरक्षित खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार से एक इंसान के लिए भविष्य में स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचाव के लिए बचपन में बीमारियों से बचाव पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चौधरी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले हम जानेंगे कि आजकल बच्चों में मुख्य रूप से कौन कौन सी परेशानी देखने को मिलती है। जैसे ये बदलता हुआ मौसम है, आजकल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी, रात में ठंड होती है, दिन में थोड़ी सी गर्मी रहती है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है, तो इस चीज में सभी तरह के संक्रमण का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगाई हो। तो इनसे बचाव के लिए हमें एक तो टेम्परेचर जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में देखना है, और साफ सफाई हर एक चीज़ के बारे में बराबर मायने रखती है सर। तो हमारा अगला सवाल, डॉक्टर साहब, बदलते मौसम में जैसे बुखार और वायरल जैसी समस्याएं आती हैं तो उसको लेकर काफ़ी भ्रांतियां बनी रहती हैं। सही सलाह और उपचार ना मिलने के कारण स्थिति और बिगड़ जाती है, इसमें आपका क्या कहना है? इस बदलते हुए मौसम में बेसिकली हमारे सामने बुखार में तीनों टाइप के बुखार आते हैं। तीनों टाइप में मच्छर की वजह से मलेरिया, वायरल जैसे डेंगू एंड चिकनगुनिया, अदर अरबो वायरस, जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इन दोनों की तुलना में, प्लस चेंजिंग ऑफ वेदर में टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, और इन्फेक्शंस सभी इसमें जो है काफ़ी स्पीडली होते हैं। तो बुखार से इसमें बचने के लिए, बुखार के रखने के लिए हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा आइसोथर्मिक टेम्परेचर इतना मेंटेन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी साथ में। तेज बुखार में क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? पहली चीज़ ये है कि बुखार जब भी होता है, दैट इज ए नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी, के हमारे शरीर के अंदर जो भी संक्रमण हुआ है, हमारा शरीर उसे तेज टेम्परेचर के साथ में उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है। तो उसे रोकने के लिए हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है, अगर हमारा टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा जाएगा तो हमारी शरीर के लिए, पर्टिकुलरली दिमाग के लिए, है ना, वो बहुत परेशानी पैदा करेगा। उसकी वजह से, तेज बुखार की वजह से जब हमारी हाइपरथर्मिया होती है तो हमारे दिमाग में कई बार सीजरिंग, दौरे वाली स्थिति हो जाती है। उन चीज़ों के बचाव के लिए सबसे पहले हमें अपनी बॉडी के आसपास, एक तो हमारा एयर फ्लो बॉडी के आसपास जो है क्लियर रहे, नंबर दो, अगर एयर फ्लो क्लियर होने के बावजूद भी टेम्परेचर बढ़ता है तो हम फिजिकल मीन से, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोथेरेपी है, पानी के द्वारा बुखार उतारना है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही एक प्राथमिक चीज़ें हैं जो हम, हमारे पास घर में हर टाइम उपलब्ध होती हैं लेकिन हम उनका उपयोग कम करते हैं। इन चीज़ों के बाद में फिर उसके बाद में दवाई का रोल आता है ना, वो तीनों चीज़ें इक्वली इफेक्टिव हैं। तो हमें कपड़े हल्के करने चाहिए, प्लस है ना एयर करंट देनी चाहिए, उसके बाद में स्पंजिंग करनी चाहिए, और उसके बाद में दवाई, जैसा उसमें अगर इमरजेंसी लगती है तो फिर कोई डॉक्टर सलाह की बात आती है। डॉक्टर साहब, बुखार के समय में खाने पीने का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, तो ऐसे समय में बच्चों को किस तरह का भोजन देना चाहिए? क्योंकि हमारे बच्चों में पर्टिकुलरली बड़ों के मुकाबले में बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर हाई होने से हमारा वाटर लॉस बॉडी का ज़्यादा होता है। तो पर्टिकुलरली जो लिक्विड डाइट है उसका सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है, उसके साथ में हमारे शरीर में आवश्यक तत्व इलेक्ट्रोलाइट हैं, पर्टिकुलरली सोडियम पोटेशियम, इनका बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लिक्विड डाइट ज़्यादा लेते हैं, और प्लस जो फैटी डाइट है, प्रोटीन डाइट है, वो थोड़ा कम लेते हैं, तो हमारा शरीर ज़्यादा अच्छा संतुलन करता है। तो जितनी डाइट भी हो वो लिक्विड रूप में ज़्यादा हो, सॉलिड रूप में कम हो, हाई प्रोटीन डाइट जो है या बहुत फैटी डाइट जो है उसे अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि नौनिहालों के लिए किस तरीके का खतरा हो सकता है और उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है? जो अब चेंजिंग वेदर है, इसमें श्वास की परेशानियाँ बच्चों में, छोटे बच्चों में अक्सर देखने को मिलती हैं, जिनमें एक पर्टिकुलर टर्म ब्रोंकोलाइटिस होती है, जो छोटे बच्चों में 2 महीने के आसपास से 6 महीने तक काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे समाज में मोटे तौर पर जिसे अब्बा डब्बा के रूप में जाना जाता है, और उसके साथ में जो बैक्टीरियल नमूनियाज हैं वो भी पाई जाती हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज काफ़ी कम है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले ये जो ब्रोंकोलाइटिस है, इससे बचाव के लिए
हमें इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि ये परेशानी हमारे बच्चे को है। जब तक बच्चा हमारा अगर फीडिंग प्रॉपरली ले रहा है और जो माँ का दूध पी रहा है प्रॉपरली पी रहा है, तो इसका मतलब उसमें बहुत दिक्कत की चीज़ नहीं है। अगर हाँ वो फीडिंग अपनी कम करता है, बच्चा लिथार्जिक होता, सुस्त होता है हमारा, तब हमें डॉक्टरी एडवाइस उसमें लेनी चाहिए। इसके साथ साथ चूँकि इसमें बुखार भी आता है, हमारे यहाँ एक मिसभ्रांति है कि अगर बच्चे की पसली चल रही है तो अगर बाहर से हवा लगेगी तो पसली ज़्यादा चलेंगी। ये चीज़ें उल्टा है इस चीज़ का। अगर टेम्परेचर कम होगा तो श्वास गति कम होगी, टेम्परेचर बढ़ने से रेस्पिरेट बढ़ जाती है, तो हमें उसकी श्वास गति कम रखने के लिए उसके टेम्परेचर को कम करना चाहिए, है ना। अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद में चिकित्सा की बात आती है, लेकिन घरेलू उपचार में सबसे पहले तापक्रम का मेंटेन करना और खुली एयर का होना उसके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में माँ का दूध एक बच्चे के लिए कितना आवश्यक है। आमतौर पर देखा गया है कि माँ के दूध के अलावा बच्चे को दूसरी चीजों की फीडिंग कराई जाती है, तो ये कितना सही है? देखिए, पहली चीज तो सब जगह वर्णित है कि अमृत के बाद अगर कोई चीज है दुनिया में तो माँ का दूध है। और जैसे हम सब तो देहाती क्षेत्र से हैं, यहाँ पे कोई हमारा धामपुर इतना बड़ा वो नहीं है, पहले भी जब हम लोग खेलते थे, अभी भी बहुत से बच्चे खेलते हैं, तो जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से कुश्ती में हार जाता है तो वो कहता है सांस लेने के बाद कि अगर माँ का दूध पिया तो आ जा। इसका मतलब माँ का दूध का सिग्निफिकेंट इस चीज़ से ये है कि उसके तुल्य दूसरी चीज़ जो है कोई है ही नहीं है, और ना उसमें अडल्ट्रेशन है, वो बॉडी टेम्परेचर पर है। बच्चे को जिस टेम्परेचर पर दूध मिलना चाहिए माँ का दूध उस टेम्परेचर में मिल रहा है, वो संक्रमण से रहित है, उसमें किसी प्रकार के संक्रमण की चांसेस नहीं है, है ना। बहुत रेयरली जितने एक दो डिजीज हैं जिनमें माँ का दूध इंडिकेटेड नहीं है, दे आर टू मच रेयर, वो बहुत ही कम है, उनके बारे में हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे। लेकिन माँ के दूध से उत्तम आहार 6 महीने के बच्चे तक के लिए कोई है ही नहीं, है ना। वो उसकी वाटर कंटेंट भी पूरी करता है, वाटर रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है, और बच्चे की वेलबींग के लिए भी जो है सबसे अच्छी चीज़ है। अगर ये चीज़ हमें देखनी होती है कि अगर माँ का दूध बच्चा ठीक से नहीं पिया है, इसका मतलब ये है कि बच्चे के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो कभी भी अगर माँ को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने आज दूध सही नहीं पिया है, इसका मतलब वो ठीक नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन फॉर एनी सीरियसनेस ऑफ द डिजीज़। अगर बच्चा दूध ठीक पी रहा है, भले से उसे तेज बुखार है, तो वो सीरियस नहीं है बच्चा, तो वी कैन वेट फॉर दैट, उसके लिए हम इंतजार कर सकते हैं, निश्चित रूप से ठीक होगा। आमतौर पर बदलते मौसम और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने पर बच्चों में बीमारी का ज्यादा खतरा बन जाता है, ऐसे में क्या कुछ सावधानियां हैं जो बच्चों के माता पिता द्वारा की जानी चाहिए? दो चीजें इस चीज में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो जहाँ ओवर क्राउडिंग होती है, ओवर क्राउडिंग होने से उस जगह पर एयर प्रदूषण बढ़ता है, प्लस कहीं भीड़ की जगह पर आप अगर टू व्हीलर से जा रहे हैं, वैसी सवारी से जा रहे हैं, तो ऑटोमोबाइल का वो बढ़ता है, प्लस बहुत से लोग जो व्यसन यूज करते हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, तम्बाकू खाने वाले हैं, तो उस चीज़ से कई बार इन चीज़ों में दिक्कतें बढ़ती हैं। सफोकेशन होने से एयर टेम्परेचर बढ़ता है, एयर टेम्परेचर बढ़ने से सांस में परेशानी होती है, तो हमें कहीं भी ऐसी चीज़ पर, ऐसी जगह पर जाने से परहेज करना चाहिए जहाँ पर खुली हवा ना हो और हवा प्रदूषित हो। तो हमें स्वच्छ हवा जीवन के लिए, स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी चीज़ें हैं। तो भीड़ भाड़ से हमें थोड़ा सा परहेज, छोटे बच्चे में पर्टिकुलरली 6 महीने तक वालों में परहेज रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, बुखार को लेकर ही लोगों में कई तरह के भ्रम हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो किन स्थितियों में या फिर किस तरीके के बुखार में प्लेटलेट्स में कमी आती है और किस तरीके से इनसे निपटा जा सकता है? ये प्लेटलेट हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है ब्लड को बहने से रोकने के लिए, ये कि नेचुरल प्रोसेस में जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन जाता है तो उससे एक रिएक्शन होती है बॉडी में, और उसकी रिएक्शन की वजह से हमारी प्लेटलेट बननी कम हो जाती हैं। और बहुत ही कम ऐसी बीमारियां हैं जिनमें प्लेटलेट की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से जान को खतरा होता है। आज की तारीख में अगर हम देखें कि यार कोई भी हमारे पास चौथा मरीज कहता साहब इसकी प्लेटें कम हो गई हैं, तो ये कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है। हमारे पास में चाहे मलेरिया का पेशेंट हो, चाहे टाइफाइड का हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन का हो, किसी की भी प्लेटलेट कम हो सकती हैं। जब तक उन प्लेटलेट की डेफिशिएंसी की वजह से शरीर में कोई खून निकलने जैसी प्रक्रिया ना हो, तब तक उसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मिथ है, और इस मिथ के चलते बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी जल्दी कई बार डॉक्टर चेंज करते हैं, कई बार दूसरी जगह भागते हैं, तो उनसे उनकी आर्थिक हानि भी होती है और पेशेंट को कोई लाभ भी नहीं होता है। जैसे ही बुखार की रिकवरी होती है शरीर में, बॉडी हमारी रिकवर करती है, वो प्लेटलेट स्टिमुलेशन जो है उसका बढ़ जाता है फॉर्मेशन, और वो अपनी जगह पर नॉर्मल आ जाती है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है,
इससे बस केवल ऑब्जर्व करना है, वो डॉक्टर का काम है वो देखे कि ये इतनी कमी के बावजूद शरीर में हानि तो नहीं हो रही है ना। तो प्लेटलेट के बारे में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज नहीं है, पैनिक बहुत ज्यादा है इसकी वजह से। डॉक्टर साहब, नवजात शिशु के लिए कौन कौन से टीके लगवाने जरूरी है? जो बेसिक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स के द्वारा रिकमेंडेशंस हैं, तो उनमें BCG, DPT, अब हिप वैक्सीन आई है, मीजल्स है, और ये प्राइमरी वैक्सीनेशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। और ये वैक्सीनेशन का ही परिणाम है कि आज की तारीख में हम स्मॉल पॉक्स का पेशेंट देखने को नहीं मिलता है। हमारी जनरेशन में जो हमारी बड़ी जनरेशन है उसमें कितने लोगों के चेहरे पर स्कारिंग रही है स्मॉल पॉक्स की वजह से। और दिस वाज द ओनली वैक्सीनेशन ड्यू टू दिस द वैक्सीन डिजीज हैज बीन एक्सटिंक्ट। आज की तारीख में अगर हम देखें जो पोलियो का इफेक्ट है, अब हमारा पोलियो फ्री देश है, ये केवल वैक्सीनेशन की वजह से ही है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कई जगह पर कि गलघोटू डिप्थीरिया के पेशेंट देखने को मिलते हैं, उसका केवल और केवल कारण ये है जब हम लोग उनसे इंट्रोगेट करते हैं पूछते हैं कि उन्होंने प्रॉपरली DPT वैक्सीन नहीं लगवाई होती है, या तो पेन की दर्द की वजह से नहीं लगवाते हैं, या मिसभ्रांति है इस तरह की वजह से। तो ये आवश्यक वैक्सीन जो है अपने आप में बहुत ज़रूरी हैं, और इनसे संक्रमण में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है, डिजीज का संक्रमण नहीं होता है। एक जनरल इम्यूनिटी जिसे हमारी भाषा में हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उस लेवल में उस एज के बच्चों में वो इम्यूनिटी लेवल सबका मेंटेन होता है, तो बीमारी अगर किसी एक को होती भी है तो दूसरे से तीसरे पर नहीं जाती है ना। उस चीज़ से बचाव के लिए ये आवश्यक वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छी वैक्सीन हैं। पेंटा वैक्सीन आजकल गवर्नमेंट प्रोग्राम में हमारे है, और इंजेक्टेबल पोलियो आने वाली है इसके बाद में, तो ये सब वैक्सीनेशन जो है ये मस्ट है, ये होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल वैक्सीन है, अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं किसी के इस तरह की चीज़ है तो उसमें रोटा वायरस है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है, इन सब वैक्सीन प्रिवेंटिबल डिजीज में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, के बजाय हम बीमारी का इलाज करें उससे पहले हम बीमारी को होने ना दें, और यही एक वैक्सीन का काम है। इसलिए वैक्सीनेशन की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और इसे समाज में जो मिथ हैं उन्हें तोड़ते हुए हमें वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए सभी बच्चों के लिए। तो डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों के खान पान की आदत भी एक बड़ी समस्या है। अपनी मर्जी के खान पान से बच्चे कहीं ना कहीं पौष्टिक आहार से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे बच्चों के पसंद को ध्यान में रखते हुए उन्हें संतुलित आहार भी दिया जा सके? संतुलित आहार आज के परिक्षेप में जो हमारी पहले मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार होती थी, आज की तारीख में उसमें ओबेसिटी है ना। ओबेसिटी अब भारत में उभरती हुई एक बहुत बड़ी समस्या है, तो ओबेसिटी में जो योगदान है बहुत ज़्यादा, जो फास्ट फूड आर्टिकल जिन्हें हम कहते हैं मोटे तौर पर रेडीमेड खाना, वो बहुत नुकसानदायक है। उससे बचाव के लिए अगर हम घर में ही उस तरह का भोजन तैयार करते हैं जो बराबर पौष्टिक हो लेकिन उसमें जो हानिकारक तत्व हैं वो चीज़ें ना हों, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। जैसी जो भी सब्जियां हैं आप जो भी फास्ट फूड मार्केट में मिलते हैं उसे अगर हम घर में तैयार करवाते हैं तो जो आवश्यक तत्व हैं, एडल्ट्रेशन हैं, केमिकल्स हैं, वो उनसे हम अवॉइड कर जाते हैं साथ में। तो इन सब चीज़ के हिसाब से जो नेचुरल रूप से फूड मिल रहा है उस फूड का हमें उपयोग ज़्यादा करवाना चाहिए अपने बच्चे के लिए। चना है उसे आप हम अंकुरित करते हैं, सोयाबीन दाल है उसे अंकुरित करते हैं, मूँगफली है उसकी चाट बनाते हैं, ये सब चीज़ें इस तरह से फ्रूट चाट बनाते हैं, उसे कस्टर्ड दही के साथ जो है यूज करते हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चों को टेस्टी भी लगती हैं और उनसे उनका स्वाद भी चेंज होता है, वो खाते भी हैं, पौष्टिक भी हैं, स्वास्थ्यवर्धक और शरीर की जो रोग रोधक क्षमता है उसे बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो हमें सब ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों का उपयोग बच्चों के लिए ज़्यादा करें जिससे उनमें बीमारियाँ वो ना हो और ओबेसिटी से बचा जा सके। ओबेसिटी से कैसे बच सकते हैं? ओबेसिटी जिन बच्चों में जिनका वेट जो है अपने आप में ज़्यादा होता है इसके हिसाब से, उनमें डाइट के लिए अगर हम फ्रेश फ्रूट डाइट देते हैं, फीके फल देते हैं उनके लिए, हरी सब्जी ज़्यादा यूज करते हैं और ये फास्ट फूड आइटम जो है उससे कट कर देते हैं, ऑयल वाला पार्ट कम कर देते हैं, तो उससे बचाव में इन चीज़ों का रोल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हाई कैलोरी नहीं जाएगी, उतनी ज़्यादा जो है फैट नहीं जाएगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्लस विटामिन्स जो है पर्याप्त मात्रा में होंगे। तो जो पानी युक्त भोजन होता है फल वाला, ये अपने आप में ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, और पर्टिकुलरली जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, जैसे हमारा शरीर है जाड़ों के मौसम में हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो पच जाती है क्योंकि हमारी पाचन प्रक्रिया उस टाइम में बहुत ज़्यादा
हेल्दी होती है अपने आप में, बहुत ज़्यादा वो करती है, लेकिन इस मौसम में जब गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में ये चीज़ें उतनी अच्छी ढंग से नहीं पच पाती हैं, उससे पच की भी प्रॉब्लम होती है और हमारी हेल्थ भी डिटेरियरेट करती है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए और हमारे दर्शकों को बीमारियों से अवगत कराने के लिए और उनसे बचाव के उपाय बताने के लिए। मेरा भी आपके लिए, स्टूडियो के लिए और राजवंशी भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने अमूल विचार जनता के सामने रखने का मौका दिया जो है। पुनः इसी के साथ नमस्कार।